सो गाइज अभी हाल फिलहाल में तीनों वॉचेस लॉन्च हुई हैं और तीनों ही काफी कम प्राइस ब्रैकेट में है। इवन 1500 रुपए से कम प्राइस ब्रैकेट में टॉप की तीन वॉचेस आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपका क्वेरी इन तीनों वॉचेस से रिलेटेड कुछ भी रह जाता है इन द एंड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी वॉचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे सबसे यूनिक जो वॉच आती है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है यहाँ पे बोल्ट की ट्रेल वॉच है ये। क्योंकि यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, कर्व बॉडी मिलती है, 2.5D कर्व ग्लास नहीं, यहाँ पे 3D कर्व डिजाइन मिलता है आपको। एंड गाइस सबसे किफायती प्राइस ब्रैकेट में ये वॉच, यस आपने इसे सुना, सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है वॉच ये। एंड इसमें यूनिक चीज यही है, सबसे बड़ी इसका यूएसपी यही है। दूसरा इसमें कि रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तीसरा इसमें काफी बड़ी डिस्प्ले मिलती है 2.02 इंचेस की, जो कि मैसिवली लार्ज डिस्प्ले है। एंड ये वॉच आपके सिर्फ लार्ज टू मीडियम इसके लिए ठीक है, मीडियम इस भी आपका मिनिमम आपका होना चाहिए 6.5, उससे नीचे अच्छी नहीं लगेगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 6.5 इंचेस का यहाँ पे इतना आपका सर्कमफ्रेंस होना चाहिए यहाँ पे, देन ओनली ये वॉच अच्छी लगेगी, नहीं तो ये वॉच अच्छी नहीं लगने वाली। अगर आपने बाय कर ली तो आप बाद में रिग्रेट करोगे, ध्यान रखना। उसी के साथ साथ सिंगल चिप कनेक्टिविटी तो है ही है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको गेम्स का ऑप्शन नहीं मिलता, आई थिंक कैलकुलेटर ही मिलता है। यस यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक बार, मैंने रिव्यू कर रखा है फुल इसका, कैलकुलेटर मिल जाता है बट गेम्स का ऑप्शन इसमें मिसिंग है कहीं ना कहीं, तो ये फ्लॉ है थोड़ा सा कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ चेन आपको थोड़ी सी मोटी मिलती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो चेन कितनी मोटी है इसकी, कहीं ना कहीं ऊपर की साइड से कम है। सिमेट्रिकल दे सकते थे कंपनी ने, ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की है, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ लगा। और 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, IP68 रेटेड, ये मेरे को काफी अच्छा लगा। बट इसके रिजोल्यूशन और यहाँ पे जो चेन मोटी से मिलती है थोड़ा सा इसका अगली फील देती है, वरना तो वॉच काफी अच्छी लगती है। लाइट वेट है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है इसका आपको, 1300 रुपए के प्राइस बैक में डील अच्छी है। एक्यूरेसी की बात करें तो डेडिकेटेड रेड एंड ग्रीन एक्सेंट के सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अगर आप डिसेंट वॉच ढूंढ रहे हो बड़े डिस्प्ले के साथ तो एक बार इसको टेक अ लुक कर सकते हो और एक बार इसको देख सकते हो, क्योंकि इसका मेन जो यूएसपी मैंने आपको बता दिया, कर्व्ड डिजाइन मिलता है। ठीक है, अब गाइस जो नेक्स्ट वॉच है उसकी तरफ चलते हैं यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं एक यूनिक चीज़ के साथ आती है, वो है यहाँ पे बोट की ही वेव सिग्मा 3। यस ये अभी हाल फिलहाल में ही और सेल पे तो गाइस 1100 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में गई थी, 100 रुपए का डिस्काउंट था, अभी जो है 1299 कुछ प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है आपको ये वॉच। इसमें क्रेस्ट ओएस मिलता है जो कि बोट का इनहाउस खुद का मैन्युफैक्चर्ड है, न्यू टाइप का UI। एंड उसी के साथ साथ इसमें सबसे बड़ा USP पता है क्या है, इसकी बड़ी डिस्प्ले है, एक तो मतलब है ही है 2.02 इंचेस की डिस्प्ले। एंड उसी के साथ साथ इसमें आपको देखने को मिलता है नेविगेशन सिस्टम, जो कि अदर किसी वॉच में इस प्राइस ब्रैकेट में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एस्टिमेटेड टाइम आपको दिखाएगा जहां भी आपको पहुंचना है, थ्रू द एप्लीकेशन आपको यहां पे इसको पेयर करना पड़ेगा। एंड इसमें इनबिल्ट GPS नहीं है, बट ये कि आपके फोन का GPS यूज करता है और एस्टिमेटेड टाइम कितना बचा हुआ है आपको, जहाँ पे जिस भी डेस्टिनेशन में जाना है वो यहाँ पे शो कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, जो कि मेरे को काफ़ी अमेजिंग लगा, और साथ में ये यूजेबल भी है, ऐसा नहीं कि यूजेबल नहीं, यूजेबल भी है। और यहाँ पे गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, बट कैलकुलेटर इसमें मिसिंग है। अगेन गाइस जो इससे पहले वॉच थी उसमें कैलकुलेटर था, इसमें आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता, गेम्स मिल जाते हैं, तो ये है कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ गाइस ये स्लीक है थोड़ी सी, मतलब अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो ये स्लीक वॉच है, थोड़ी सी पतली है। एंड ये भी वॉच आपके लार्ज टू मीडियम इसके ठीक है, थिन रिस्ट पे ये वॉच भी अच्छी नहीं लगने वाली, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सब अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं। बट एक्यूरेसी के मामले में बोल्ट से फार बेटर है ये वाली बोट वॉच, बोल्ट से फार बेटर है बोट वॉच, तो बोल्ट और बोट में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। एंड ये रोटेटिंग क्राउन के साथ नहीं आती, बट बोल्ट में आपको रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, तो ये भी है कहीं ना कहीं। और तो गाइस फीचर्स सारे के सारे सिमिलर ही देखने को मिलते हैं, एज सच मेजर डिफरेंस नहीं मिलता। यहाँ पे क्रिकेट स्कोर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IPL आप देखते ही हो। तो गाइस यहाँ पे और किसी वॉच में ये वाला क्रिकेट स्कोर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये इसमें एज बन जाता है, प्लस पॉइंट बन जाता है। तो गाइस इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, जिसको बड़ी वॉच पसंद है, बड़ी बिग डिस्प्ले वाली वॉच, तो डेफिनेटली इस वॉच के लिए जा सकते हैं, खासकर लार्ज के लिए काफ़ी बेटर वॉच ये बन जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे आती है नॉइस की Icon 3 Plus। अब नॉइस की Icon 4 भी आने वाली है AMOLED डिस्प्ले के साथ, बट अगेन गाइस Icon 3 Plus का अलग ही चार्म है, कम प्राइस ब्रैकेट में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे स्टील का डायल मिलता है, जो कि आपको इन दोनों इससे दोनों जो पहली वॉचेस थी दोनों में से किसी में नहीं मिलता था, तो ये काफ़ी इसका यूनिक पॉइंट है। दूसरा इसमें आपको रोटेटिंग क्राउन भी मिल जाता है, नॉइस अपनी मैक्सिमम वॉचेस में नहीं देता है रोटेटिंग क्राउन। तीसरा इसमें लाइव वॉच फेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, ये लाइव वॉच फेस ही है। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले काफ़ी बड़ी मिल जाती है, चिन कहीं ना कहीं काफ़ी मोटी है इसकी, जो कि कहीं ना कहीं अगली लगती है, थोड़ी सी इसकी सिमेट्रिकल होती तो काफ़ी बेटर था। नॉइस की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है, पीछे डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं। अब मैं अगर बात करूँ बोट और ये नॉइस में, दोनों में से बेटर किस में आपको जो एक्यूरेसी मिलती है, तो गाइस दोनों में इक्वल मिल जाती है, डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है। इसमें UI भी न्यू मिलता है, जो कि आपको बोट की वॉच में क्रेस्ट OS मिलता है, इसमें भी आपका न्यू टाइप का UI मिलता है,
बट इसमें गेम्स भी है, कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, तो इसमें कुछ चीज़ें, कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं है, ये इसमें प्लस पॉइंट है। एंड गाइज ये भी वॉच आपके अगेन लार्ज टू मीडियम इसके लिए ठीक है, थिनेस्ट वाले दूर रहे इस वॉच से भी। तो गाइज मैंने तीनों वॉचेस बता दी एंड इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नंबर वन पर मैं यही कहूँगा कि मैं नंबर वन पर रखना चाहूँगा आपकी नॉइस की वॉच इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। सेकंड नंबर पर रखना चाहूँगा बोट की वॉच, क्योंकि बोट में आपको क्रिकेट स्कोर और नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है जो कि प्रैक्टिकली यूजेबल है। और तीसरा यहाँ पर रखना चाहूँगा बोल्ट की ट्रेल, तो ये भी वॉच अच्छी है और कर्व डिस्प्ले का सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है। तो गाइस ये थे डीप डाउन कंपैरिजन तीनों का ही। अगर आपका क्वेरी कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।